आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यहां पे क्रिस्टल टाउन में मस्जिद जामा मस्जिद अब्दुल हलीम है, उसके बिल्कुल बाजू एक खाली प्लॉट है। तो सुबह में तकरीबन 8 बजे के टाइम पे एक कचरा चुनने वाला जो है अपने बर्मा का जो है एक आदमी था, यहाँ पे मोहल्ले में जो है कचरा चुनते रहते उन्होंने, तो उन्होंने जो है वहां पे अपने सेकंड सर्कल के पास जो है रिक्शा रख के यहाँ पे आए। आने के बाद में जो है प्लॉट के बाहर थैला रखे, अपना जो थैला ले लेके आए थे उन्होंने, थैला रखने के बाद में अंदर गए। अंदर कूदने के 2 मिनट हम लोग CCTV कैमरे में देखे, 2 मिनट के बाद जो है इतना भयानक ब्लास्ट हुआ कि मस्जिद के शीशे टूट गए, पूरे नीचे के भी ऊपर के भी मस्जिद के शीशे टूट गए। और मस्जिद की जो खिड़की है वो जो पकड़ थी वो पकड़ छोड़ दी, उसके चौकट वगैरह पूरे हिल गए। इतना जबरदस्त जो है ब्लास्ट था। हमारे जो हाफिज साहब है, हाफिज सलाउद्दीन साहब, अंदर मस्जिद में थे, इन्होंने भागते हुए आके परेशान हो गए क्या हुआ बोल के। फिर उसके बाद हमारे जो सदर साहब है हबीब जैन आरिफ साहब, एक्स कारपोरेटर शास्तीपुरम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के, उनको फोन करे। फिर उसके बाद में जो है हमारे हबीब अब्दुल कादर साहब, फेरोज भाई, हाशिम भाई, ये लोग पूरे मिलके जो है भाग लेते आए। हमारे जो है 7 News के हमारे हकीम भाई भी थे, तो ये लोग पूरे आके जो है वो देखे। उसके बाद तकरीबन 40 मिनट तक वो आदमी वही जगह पे पड़ा हुआ था और जो है अल्लाह 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 पुकार रहा था, बचाओ बचाओ भी बोल के बोल रहा था, बचाओ बचाओ बोल के जो है बोल रहा था। फिर उसके बाद जो है अंदर जाके एम्बुलेंस को फोन करे, एम्बुलेंस आई लेके गई। Downline.